आज का हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग अच्छे से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले इमेजिनरी नंबर को समझते हैं। सबसे पहले इमेजिनरी नंबर आया कैसे, तो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो जब हम इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो इस टाइप के इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे थे तो क्या बात सामने आया कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है एक्स स्क्वायर और वन भी एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी जीरो हो नहीं सकता है, तो वास्तव में इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो कभी हो नहीं सकता है, इसलिए इस एक्स की जगह कोई भी वैल्यू फिट नहीं बैठ रहा। तो यहीं से इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आया कि इस एक्स की जगह पे जो फिट बैठ सकता है वो एक काल्पनिक संख्या मान लिया गया, उसे एक इमेजिनरी नंबर मान लिया गया। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन लिख दें, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा मान लिए कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो वो इमेजिनरी नंबर है। वहां पे लिखा हुआ है इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव देन सच नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो अगर इस इक्वेशन को कोई एक्स सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वास्तव में कोई नंबर नहीं है, वो एक इमेजिनरी नंबर है। तो यहीं से इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आया। और अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन का रूट, और सबसे पहले यही आया कि माइनस वन के रूट को हम लोग आयोटा बोलेंगे, आई जिसको बोलते हैं, तो माइनस वन का जो रूट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयोटा बोलते हैं, आई बोलते हैं। और फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब एक बात और है कि जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है रियल में। जैसे वन का स्क्वायर वन, रूट टू का स्क्वायर टू, माइनस में टू का स्क्वायर तो ये भी फोर हो जाएगा, माइनस में रूट थ्री का स्क्वायर ये भी तुम्हारा थ्री हो जाएगा। तो किसका स्क्वायर नेगेटिव होगा ये भी सोच सकते हैं, जैसे माइनस वन का रूट और इसका स्क्वायर अगर करें तो यहां से अगर स्क्वायर होगा तो यहां से तुम्हारा माइनस वन आ जाएगा, यानी कि ये माइनस वन का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर है, ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि इस माइनस वन का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस वन हो रहा है, यानी कि नेगेटिव हो रहा है, इसलिए ये माइनस वन का जो स्क्वायर रूट है ये नेगेटिव होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है। और माइनस वन के स्क्वायर रूट को ही क्या बोल दिया गया, माइनस वन के स्क्वायर रूट को बोला गया कि ये आई है, आयोटा है, ठीक है। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग आई के बारे में जानेंगे और आई पे कैसे कैसे पावर देने पर उसका वैल्यू वेरी करता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले आई का वैल्यू माइनस वन होता है, ठीक, माइनस वन का स्क्वायर रूट होता है। अगर अब हमसे कोई पूछे कि माइनस नाइन का स्क्वायर रूट क्या है तो क्या होगा, माइनस नाइन का स्क्वायर रूट इन द सेंस माइनस वन का स्क्वायर रूट इंटू नाइन का स्क्वायर रूट, नाइन का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा थ्री, और इस माइनस वन का स्क्वायर रूट आई, तो माइनस नाइन का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा थ्री आई हो जाएगा। अगर हमसे कोई पूछे कि माइनस टू का स्क्वायर रूट क्या होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अभी पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे और पूरा जितना भी डीप में जाएंगे सब पढ़ेंगे। तो माइनस टू का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर रूट अलग और रूट टू अलग लिख देंगे हम, तो फिर रूट टू और माइनस वन का स्क्वायर रूट आई, रूट टू आई हो गया ये। अगर 16 माइनस 16 का स्क्वायर रूट लिखा जाए तो 16 का 4 और माइनस 1 का आई, तो डायरेक्ट 4 आई हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई हमसे पूछे माइनस नाइन का स्क्वायर रूट इंटू माइनस फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा, माइनस नाइन का स्क्वायर रूट और माइनस नाइन फोर का स्क्वायर रूट, इसको हम गलत तरीके से कैसे बनाएंगे पहले वो देख लेते हैं। तो अगर हम इस पे भी रूट देख रहे हैं, इस पे भी रूट देख रहे हैं, तो दोनों पे एक साथ रूट लगा दीजिए, माइनस नाइन इंटू माइनस फोर, तब तो ये माइनस माइनस प्लस एंड 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, जो कि एक गलत सॉल्यूशन है। अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिए
कि माइनस नाइन का स्क्वायर इंटू माइनस फोर का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर माइनस नाइन इंटू माइनस फोर, तो यहां से ये सॉल्यूशन ये मिस्टेक हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये गलत है, इसको सही कैसे करेंगे, माइनस नाइन का स्क्वायर रूट इंटू माइनस फोर का स्क्वायर रूट अगर आया तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस नाइन का हो जाएगा नाइन का थ्री माइनस वन का आई इंटू फोर का टू और माइनस वन का आई, तो ये हो गया सिक्स आई स्क्वायर। एंड सिक्स आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से अगर आई को माइनस वन का स्क्वायर रूट बोला गया है तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस वन, तो आई स्क्वायर की जगह माइनस वन देंगे तो माइनस सिक्स, ये सही है। अब बोलो कि ये क्यों गलत है, तो यहाँ पे हम एक चीज नोट करेंगे कि अगर कहीं भी रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी है तो इसको हम स्क्वायर रूट में ए बी को लाते हैं तब इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला लागू ही नहीं होता। ये जो रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी है, ये फॉर्मूला तभी लागू होता है जब इनमें से ए और बी में से कोई एक पॉजिटिव हो, ठीक है, मतलब एटलीस्ट ये फॉर्मूला तभी लागू होता है वन ऑफ ए या बी, ए एंड बी इज पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे दोनों नेगेटिव था और उसको रूट अंडर में ला दिया तो वो नहीं करना है कभी भी, इसको हम लोग पहले अच्छे से समझ लें, ठीक है, तो तब जा करके ये काम करेंगे। तो माइनस में कोई नंबर अगर हो, अभी हम लोग क्या देखिए पहली बार में कि कोई भी नंबर माइनस नाइन माइनस टू माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस टेन, इसका स्क्वायर रूट आयोटा के टर्म में कैसे निकालेंगे और अगर इंटू में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये रहा अपना, ठीक है। अब आई पे अगर हम लोग पावर को बढ़ाते हैं, ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, इमेजिनरी नंबर को देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम बाद में आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर के सहायता से ही पढ़ेंगे, तो पहले हम आई के टर्म के बारे में जान रहे हैं। अगर हम आई को देखेंगे आयोटा, ठीक है, तो आयोटा क्या है, माइनस वन का स्क्वायर, स्टार्टिंग यहीं से है। अब अगर हम इस पे पावर बढ़ाते जाए, मतलब आई इंटू आई कर दिया जाए, जैसे इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस वन, अब फिर से दोनों तरफ आई अगर इंटू कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई आई क्यू, इधर भी आई इंटू करो तो माइनस वन इंटू आई माइनस आई, फिर आई इंटू करो तो ये हो जाएगा आई क्यूब इंटू आई आई टू द पावर फोर, और इधर अगर आई इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, तो यहां अगर माइनस वन रखा जाए तो माइनस माइनस वन दैट इज प्लस वन, यानी कि यहां से हमको चार वैल्यू क्लियर हुआ, चार वैल्यू, फिर से इसको मिटा के लिख देते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू वन, ये चारों वैल्यू याद रखना है, आई का वैल्यू माइनस वन का रूट, आई स्क्वायर इज माइनस वन, आई पे पावर क्यूब इज माइनस आई, एंड आई टू द पावर फोर इज प्लस वन, ये एकदम याद रखना है। अब अगर हम और थोड़ा सा बढ़ाएं, जैसे आई टू द पावर फाइव कर लें, जैसे आई फोर है यहां, अब इसमें अगर हम एक और आई इंटू करें तो यह हो जाएगा आई टू द पावर फाइव, आई टू द पावर फाइव इधर आई इंटू करेंगे तो आई, मतलब आई टू द पावर फाइव का वैल्यू आई, फिर आई इंटू करो तो आई टू द पावर सिक्स, एंड आई टू द पावर सिक्स इज इक्वल टू इधर आई इंटू करेंगे तो आई इंटू आई आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, यानी कि आई टू द पावर सिक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन, फिर से आई इंटू करो तो ये हो जाएगा आई टू द पावर सेवन, और ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर आई इंटू करेंगे तो माइनस वन इंटू आई दैट इज आई, एंड आई टू द पावर एट, ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ, इसमें आई इंटू करेंगे तो माइनस आई, अब आई टू द पावर एट, तो आई टू द पावर एट यानी कि इधर आई इंटू किया गया, इधर भी आई इंटू करेंगे तो माइनस आई इंटू आई दैट इज माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन, यानी कि आई टू द पावर एट का वैल्यू हो गया प्लस वन। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि इतना आई टू द पावर एट तक हम देख करके हम लोग एक ट्रेंड पे पहुंच जाते हैं कि आई का कोई भी पावर हो, आई होता है माइनस वन का स्क्वायर,
और आई पे कोई भी पावर अगर बढ़ा दी तो जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट होता है माइनस वन माइनस आई वन एंड आई, यही चार चीज होता है। आई टू द पावर एनीथिंग, अगर आई पे हम कोई भी पावर ले लें तो उसका रिजल्ट या तो प्लस माइनस वन होता है या प्लस माइनस आई होता है और कुछ नहीं होता है। आई टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू प्लस माइनस आई या फिर प्लस माइनस वन और कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कब प्लस माइनस वन, तो इफ आई टू द पावर, अगर आई पे पावर स्क्वायर है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, तो आई पे पावर जब इवन है तो इवन पावर में माइनस वन या प्लस वन मिलता है। तो आई टू द पावर अगर इवन हो तो हमको प्लस माइनस वन मिलता है, जो जो बात हमको ध्यान रखना है, और आई टू द पावर अगर ऑड हो तो हमको प्लस माइनस आई मिलता है। और एक बात याद कर रखना है कि आई पे पावर फोर वन होता है, जैसे यहाँ फोर वन है, एट भी वन है, आई पे पावर ट्वेल्व भी वन होगा, सिक्सटीन भी वन होगा, तो आई टू द पावर फोर का कोई भी मल्टीपल हो फोर के वो वन होता है। तो ये आई का पावर हमको बेसिक बात है, इसको हमको कंफर्म रूप से दिमाग में रखना है कि आई पे पावर जब हम इवन लेंगे तो या तो प्लस वन या तो माइनस वन, आई पे पावर जब हम ऑड लेंगे तो या तो माइनस आई या प्लस आई, एंड आई पे पावर अगर फोर का कोई मल्टीपल नंबर देंगे तो वो हो जाएगा प्लस वन। तो ये आई का पावर है, आई के पावर को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे, जैसे मान के चले हम जैसे आई का पावर कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व आई टू द पावर एनीथिंग पावर, कुछ भी पावर उसको कैसे सॉल्व करें, ये हम समझा रहे हैं। तो जैसे आई टू द पावर 29 है, तो हम लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर 4 का मल्टीपल है आई पे पावर तो वो 1 हो, तो हम बस ये सोचेंगे कि ये 4 के मल्टीपल के कितना पास है। तो अगर 28 होता तो कट जाता 4 से, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आई टू द पावर 28 इंटू आई टू द पावर 1। अब ये तो 1 होता है आई टू द पावर 4 के, तो 1 इंटू आई दैट इज आई, यानी कि इतना स्टेप भी नहीं लेंगे हम। जैसे मान लेते हैं कि आई टू द पावर अगर 33 है तो 4 से ये कट रहा है कि नहीं, तो नहीं कट रहा है, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है। 4 से अगर 33 को डिवाइड करेंगे तो 32 होता तो कट जाता, 32 के बाद कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा i, सीधा बात। अगर i टू द पावर 34 होता तो हम सोचते कि 32 तो 4 से डिविजिबल है, फिर 2 बच रहा है, यानी कि दिस इज इक्वल टू i स्क्वायर एंड i स्क्वायर इज -1, तो -1 पे पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से i का पावर हम सॉल्व तेजी से भी कर सकते हैं या अगर धीरे धीरे करना है इस प्रकार से करेंगे। अब अगर 1/ जैसे 1/ i टू द पावर मान लेते हैं 57, अब 57 को 4 से डिवाइड देना करना है, तो 4 से कौन कटता है, अगर यहां पे 56 होता तो कट जाता, तो 56 नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको हम ऐसा लिख दें कि 1/ i टू द पावर 56 इंटू आई, ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हम यहां पे लिख देते 1 इंटू आई। तो इतना नहीं भी अगर लिखेंगे तो चलेगा, ये 56 के बाद 1 है आई, तो डायरेक्ट 1/i हुआ, और डिनोमिनेटर में आई को नहीं रखना, जैसे ही नीचे आई आया तो ऊपर नीचे एक आई से इंटू करेंगे, इसमें ऊपर भी एक आई इंटू किया गया और नीचे भी एक आई इंटू किया गया, तो ऊपर हो गया आई डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर, ये हो गया आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -i, यानी कि 1/i टू द पावर 57 इज इक्वल टू -i। तो इस प्रकार से हम i के पावर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, पहला लेक्चर क्लोज।